हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचवीएस स्टडीज़। तो दोस्तों, हमारी जो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 की जो सीरीज़ चल रही थी, उसका नेक्स्ट पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ये आपके एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम और एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम, जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है, उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस रहेंगे। जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड कुछ अपडेट्स चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस हो गई, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो गए, ई बुक्स हो गई, सबकी डिटेल आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप हमारे ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, Who among the following was honored with the Bharat Ratna Award in 2001 for his work in art field? तो 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था कला के क्षेत्र में? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण एग्जाम में अक्सर देखने को मिले हैं, खासतौर से भारत रत्न आपसे बहुत पुराने पुराने पूछे जाते हैं, तो भारत रत्न आपको जरूर ध्यान रखने हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। तो लता मंगेशकर और बिस्मिल्ला खान, इन दोनों को 2001 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था, कौन सी फील्ड में? आर्ट की फील्ड में। और आर्ट की फील्ड और स्पोर्ट्स की फील्ड आपसे सबसे ज्यादा पूछी जाती है। अगर भारत रत्न की बात करी जाए, आर्ट फील्ड में आपको जरूर ध्यान रखना है, 100% यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। तो एम जी रामचंद्रन रहेंगे, 1988 में इनको भारत रत्न मिला था और आर्ट की फील्ड में पहला भारत रत्न भी ये हो जाता है। सत्यजीत रे को 1992 में मिला। एम एस सुबलक्ष्मी, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ आपका क्वेश्चन है, ये 1998 में मिला था। रविशंकर को मिला 1999 में, बहुत बार ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ आपका। बाकी लता मंगेशकर और बिस्मिल्ला खान, जो हमारा क्वेश्चन है, 2001 में इनको दोनों को मिला। भीमसेन जोशी को 2009 में, सचिन तेंदुलकर को 2014 में, स्पोर्ट्स की फील्ड में मिला था और ये यंगेस्ट भारत रत्न विनर भी आपके रहते हैं, ये भी चीज आपको याद रखनी है। फिर भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न की सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे मिलेगी, जिस भी टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो चाहिए वो आपको चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट है हमारी, उसको आप विजिट कर सकते हैं, उसमें सारे टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अबॉलिश्ड सती सिस्टम इन 1829 बाई डिक्लेयरिंग इट एन ऑफेंस? ये क्वेश्चन आपका जो पिछला सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, जो 2022 में हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो कौन से गवर्नर जनरल रहेंगे जिन्होंने 1829 में सती प्रथा को एक अपराध घोषित किया था और इसको समाप्त कर दिया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर यहाँ पे कुछ और बात करी जाए गवर्नर जनरल से रिलेटेड, जो इस्टेब्लिशमेंट हुई, इंट्रोडक्शन हुआ आपका, या कुछ चीज़ लॉन्च करी गई, तो इस्टेब्लिश किया गया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को 1784 में। आपसे ईयर भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ईयर भी याद रखना है। किसके द्वारा किया गया? वॉरन हेस्टिंग के द्वारा। परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल को इंट्रोड्यूस किया गया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवेलिस के द्वारा। फोर्ट विलियम कॉलेज को एस्टैब्लिश किया गया 1800 में लॉर्ड वेलिसले के द्वारा। एनेक्सेशन ऑफ अवध हुआ था 1856 में लॉर्ड डलाउजी के द्वारा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया गया 1856 में लॉर्ड डलाउजी के ही द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉन्च किया गया था लॉर्ड लिट्टोन के द्वारा। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है, कब हुआ था? 1905 में लॉर्ड कुर्जोन के द्वारा। मॉडले मिंटो रिफॉर्म एक्ट आपका लॉन्च हुआ 1909 में लॉर्ड मिंटो के द्वारा। मोंटागू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट आया आपका 1919 में लॉर्ड कैम्सफोर्ड के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने लॉन्च किया था? लॉर्ड विलिंगटन ने। इंडियन मेडिकल सर्विसेज को एस्टैब्लिश किया गया 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा को भी 1857 में लॉर्ड कैनिंग के ही द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहते हैं कि जो आपका ये सीजीएल का एग्जाम रहेगा, इसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की एक ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 39 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है।
बिल्कुल मिनिमल रेट रखा गया है इसका, आप इसको ज़रूर बाय कर लें क्योंकि इसमें आपको 1400 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको 2023 का यानी कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको एंड में प्रोवाइड कराया गया है। ये ई बुक बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इसमें डाले गए हैं, तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में आपको कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग इज द क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट, जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसका शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो इसमें कथक हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डांस फॉर्म टोटल 9 क्लासिकल डांस फॉर्म से कहीं कहीं पे 8 क्लासिकल डांस फॉर्म भी आपको मिलेंगे, तो ये आपको याद जरूर रखने हैं, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, कथक है उत्तर प्रदेश का, कथकली है केरला का, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी है मणिपुर का, मोहिनीअट्टम रहेगा केरला का, उड़ीसी उड़ीसा का, सत्रीय आसाम का, ये 8 होते हैं। इसके बाद 9th कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा जिसमें 6 रहेगा जो कि ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स का रहेगा, झारखंड उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोविजन ऑफ पंचायती राज कम्स अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। SSC के पीछे जितने भी एग्जाम हुए हैं एक ना एक क्वेश्चन आपको शेड्यूल का जरूर देखने को मिला है, तो आप शेड्यूल्स को भी याद रखें कि पंचायती राज का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 12th हो जाएगा। जो 12th शेड्यूल है उसमें पंचायती राज सिस्टम बताया गया है। शेड्यूल्स को एक बार रिविजन करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक रहता है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो इसलिए आपको जरूर ध्यान रखना है। फर्स्ट शेड्यूल में आता है लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, सेकेंड में आता है अलाउंसेज प्रिविलेजेस एमिलमेंट टू हैड्स, थर्ड में रहेगा ओथ एंड एफिर्मेशन, फोर्थ में आता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, फिफ्थ में आता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, सिक्स्थ रहेगा ट्राइबल एरिया जिसमें आपको ATM स्क्वायर याद रखना है, आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम और साथ में लद्दाख को भी इसमें ऐड किया गया है। सेवन्थ शेड्यूल में आपकी 3 लिस्ट आती हैं, कौन कौन सी लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार आपका देखने को मिला है क्वेश्चन, जिसमें लास्ट जो अमेंडमेंट किया गया था वो उसके द्वारा 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया जिसमें आपके संथली मैथिली बोडो डोगरी को 92nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया है। 9th शेड्यूल में आपका एक्ट एंड ऑर्डर रिलेटेड टू लैंड टेन्योर, लैंड टैक्स, रेलवे और इंडस्ट्रीज रहेंगे और ये आपका पहला अमेंडमेंट एक्ट भी रहेगा जो कि 1951 में हुआ था, जो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारे सिर्फ 8 शेड्यूल थे, उसके बाद 9th जो है इसको ऐड किया गया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 के थ्रू। 10th जो हमारा शेड्यूल रहेगा इसके थ्रू प्रोविजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन ऐड हुआ। 11th में आपका पंचायती राज सिस्टम को ऐड किया गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू और 12th शेड्यूल में आपका म्यूनसिपैलिटीज आते हैं जिसको 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू ऐड किया गया था। यहां पे 11th रहेगा आपका, गलती से हमने 12th बोल दिया था, 11th शेड्यूल है आपका, तो 11th में पंचायती राज है जिसको 73rd अमेंडमेंट के थ्रू आपका ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नोबल प्राइज से रिलेटेड हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज इन 1913 इन लिटरेचर फॉर हिज विच बुक। यहाँ पे क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन हमारे हो गए। एक तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को कौन से ईयर में नोबल प्राइज मिला, तो आपका आंसर 1913 हो जाएगा। कौन सी फील्ड में मिला, तो आपका आंसर लिटरेचर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कौन सी बुक के लिए मिला, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गीतांजलि। गीतांजलि बुक रविंद्रनाथ टैगोर की रहेगी जिसके लिए इनको नोबल प्राइज मिला था, भारत के पहले नोबल प्राइज विनर भी आपके रहते हैं। अगर लेटेस्ट नोबल प्राइज की बात करी जाए तो वो भी आपको ध्यान रखने हैं, 2023 में नोबल प्राइज लेटेस्ट मिले हैं आपके, 2024 के अभी अनाउंस नहीं हुए हैं, तो 2023 के आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। मेडिसिन की फील्ड में किस किस को मिला, तो द्रो वेस्टमैन को, कैथलिन करीका को, ये दो व्यक्ति हैं जिनको मेडिसिन की फील्ड में मिला। फिजिक्स में मिला फेरेंग क्रोन्स को, एनी एल हिलर को और पेरे एगस्टिनी को। केमिस्ट्री की फील्ड में एलेक्सी एकिमोव, लुइस ई ब्रुश और मुंगी बेवेंदी को मिला है। लिटरेचर की फील्ड में जॉन फोसे को। पीस की फील्ड, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पीस का बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में आपका,
ये आपकी नरगिस मोहम्मदी रहेंगी और ये ईरान से संबंधित हैं। इनका जो कंट्री है, ओरिजिन कंट्री है, वो भी एग्जाम में पीछे पूछी गई थी। इकोनॉमिक्स की फील्ड में अगर आपसे पूछ ली जाए तो क्लाडिया गोल्डिन को मिला है। अगर इंडियंस की बात करी जाए जिनको अभी तक नोबेल प्राइज मिला है तो सबको हम कवर करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले रहेंगे जिनको 1913 में लिटरेचर की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला। सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स की फील्ड में मिला। हरगोबिंद सिंह खुराना को 1968 में मेडिसिन की फील्ड में मिला। मदर टेरेसा को 1979 में पीस की फील्ड में मिला। एस चंद्रशेखर को 1983 में फिजिक्स की फील्ड में। अमर्त्या सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स की फील्ड में। वेंकट रामा रामकृष्णन को 2009 में केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में पीस की फील्ड में मिला और अभिजीत बैनर्जी को 2019 में इकोनॉमिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको टोटल 9 रहेंगे इंडियंस जिनको अभी तक नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। इनके नेम आपको जरूर याद रखने हैं, एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। विच चोला रूलर वॉज पॉपुलरली कॉल्ड विक्टर ऑफ द गंग्स। तो विक्टर ऑफ द गंगा यानी कि गंगा का विजेता किसको कहा जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोला फर्स्ट। जो निकनेम्स रहेंगे रूलर्स के, ये भी एग्जाम में सीजीएल के एग्जाम का फेवरेट टॉपिक रहता है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो एक बार निकनेम्स को जरूर कवर करेंगे रूलर्स के। तो अशोका को देवनाम प्रिया प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। शिवाजी को जनता राज यानी कि पीपल्स किंग बोला जाता था। राणा प्रताप को मेवाड़ का शेर यानी कि लायन ऑफ मेवाड़ बोला जाता था। रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी यानी कि क्वीन ऑफ झांसी बोला जाता था। समुद्रगुप्त को कविराज यानी कि पोएट किंग बोला जाता था। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता है। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा किंग ऑफ पिथौरगढ़ बोला जाता है। औरंगजेब को आलमगीर कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता था। बालाजी बाजीराव को नाना साहिब। कृष्णा देव राय को आंध्र भोज यानी कि किंग ऑफ आंध्र बोला जाता है। अगर विक्रम आदित्य की बात करी जाए दी सन ऑफ वेलोर बोला जाता है। राजा राम मोहन रॉय को राजा चोला को राजा राज दी ग्रेट यानी कि किंग ऑफ दी किंग्स के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डेज और डेट से रिलेटेड हो जाएगा। सिविल सर्विसेज डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो सिविल सर्विसेज डे यानी कि सिविल सेवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 21 अप्रैल हो जाएगा। डेज और डेट्स के भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो डेज और डेट्स का एक क्विक रिवीजन करेंगे। सेपरेट वीडियो मिल जाएगी चैनल पे हर एक टॉपिक की आपको, उसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे टीबी डे आपका 24 मार्च को होता है। नेशनल मैरिटाइम डे 5 अप्रैल को। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को। जलियावाला बाग मैस्कर डे 13 अप्रैल को हुआ था 1919 में, तो इसलिए 13 अप्रैल को ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को। सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को, जो हमारा क्वेश्चन भी था। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को। नेशनल पंचायत डे 24 अप्रैल को। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को। वर्कर्स डे या फिर इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को होता है। प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को। वर्ल्ड रेडक्रॉस डे 8 मई को। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को। और इंटरनेशनल नर्सेज डे हर साल 12 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। कुमुदिनी लाखिया इज एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। जो डांसर रिलेटेड टू डांस फॉर्म ये टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, आपके एसएससी का फेवरेट टॉपिक है, इसको आप जरूर ध्यान रखें। इस वीडियो को आपको सेपरेट वीडियो है, 100+ क्वेश्चंस कवर कराए गए हैं, उसको बिल्कुल भी आप मिस मत करना, एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट का आपका क्लासिकल डांस फॉर्म भी हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ डांसर्स को कवर करेंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो राजा रेड्डी और राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से संबंधित हैं, माधवी मुदगल उड़ीसी से, गोपी कृष्ण कथक से, संभवी दंदेकर कथक से, स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी से, दर्शना जवेरी जिनको जवेरी सिस्टर्स, ये आपकी दो सिस्टर्स भी रहती हैं, एग्जाम में जवेरी सिस्टर्स भी पूछ लिया जाता है, मणिपुरी से संबंधित हैं, मंजरी चतुर्वेदी कथक से, अलरमिल वेली भरतनाट्यम से, अदिति मंगलदास कथक से, संयुक्ता पानीग्रही उड़ीसी से, माया राव कथकली से, राम विद्यानाथन भरतनाट्यम से, प्रेरणा श्रीमली कथक से, राजेंद्र गंगानी कथक से और रानी करना मणिपुरी से आपकी संबंधित हो जाती हैं। रवि कीर्ति वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूलर्स। तो रवि कीर्ति किस वंश के शासक के दरबारी थे, कवि थे? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चौलक्या डायनेस्टी के, ये आपके एक पोएट कोर्ट पोएट हो जाएंगे।
अब यहाँ पे कोर्ट पोएट्स को एक बार कवर करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम जो हुआ है आपका 2023 का, उसमें दो तीन क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे गए हैं, तो इस टॉपिक को भी एक बार कवर करते हैं। बाना भट्ट जो रहेंगे ये कोर्ट पोएट थे हर्षवर्धन के, कालिदास रहेंगे विक्रमादित्य के, चंद बरदई थे पृथ्वीराज चौहान के, भावभूति किंग यशोवर्मन जो थे कन्नौज के उनके रहेंगे, श्री पूर्णा रहेंगे रशकुटा डायनेस्टी के किंग रहेंगे कृष्णा थर्ड के, अमीर खुसरो जो कि एग्जाम में बनते भी हैं आपके अलाउद्दीन खिलजी के रहेंगे, और ये सात और रूलर्स थे दिल्ली सल्तनत के जिनसे आपके संबंधित रहेंगे। परमानंद रहेंगे शिवाजी के, राघवंकर रहेंगे होयसला किंग के, रवि कीर्ति पुलकेसिन सेकंड के रहेंगे जो हमारा क्वेश्चन भी था चोलक्की डायनेस्टी के, ये आपके रूलर हो जाएंगे। जयम कोंडकर हो जाएंगे आपके कुलोतुंगा चोला फर्स्ट के जो कि चोला डायनेस्टी के एक रूलर हो जाएंगे, तिमुलियारा हो जाएंगे आपके किंग वुडेयर के। तो ये आपको कोर्ट पोएट्स हैं जो एग्जाम में बन सकते हैं, ये आपको याद रखने हैं। ये टोटल हमारे क्वेश्चंस थे, एक हमारा अब क्विज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है, विच अमंग इज द क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट, जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसका शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। अभी हमने कवर किया था, आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। जो हमारी ई बुक है वो सिर्फ आपको 39 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज़रूर चेकआउट कर लें। अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो तीन चार चीज़ें हैं जिनको आपको ज़रूर फोकस करना है। एक तो हमारी ई बुक रहेगी 39 रुपीज़ में, आप उसको बाय कर सकते हैं। एक ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, जिसमें जो सेपरेट टॉपिक जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनकी जो सेपरेट वीडियोज़ हैं आप उनको डिटेल में देखें। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे कि आपके डांस फॉर्म्स हो गए, डांसर रिलेटेड टू डांस फॉर्म्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, सेंसस हो गया, स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस हो गए आपके, बाकी म्यूजिशियंस हो गए, तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनकी वीडियोस आपको अच्छी तरीके से कवर करनी है। 100+ क्वेश्चंस आपको हर एक वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि पूरे टॉपिक को एक ही सिंगल वीडियो में हमने कवर किया है। तो इन चीज़ों पर आप ज़रूर फोकस करें जिससे एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। धन्यवाद।